तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा ADV 160। रियर में देख रहे हैं आप डिस्क ब्रेक, कहीं पर भी इंडिया में आपको कोई भी पेट्रोल स्कूटर नहीं मिलेगा जिसमें रियर में डिस्क ब्रेक मिलते हो। आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे आपकी ऑल न्यू होंडा ADV 160 अपने साथ क्या स्पेशल देती है। इंडिया में अगर आप प्रीमियम स्कूटर्स की बात करें तो आपके पास यामाहा एरोक्स है, लेकिन ये चीज़ ना अपने में स्पेशल है। आज ही इस स्कूटर की मैंने राइड ली है और बिल्कुल इंप्रेस हुआ हूँ। कहीं ना कहीं आज तक इंडिया में ऐसा स्कूटर मुझे देखने को नहीं मिला। क्या कुछ स्पेशल मिल रहा है यहाँ पर? होंडा ना कुछ अलग ही करके देता है। इस स्कूटर का अगर आप डिज़ाइन भी देखें, कहीं ना कहीं एडवेंचर मोटरसाइकिल से इंस्पायर है। ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, अलग तरीके का राइडिंग स्टांस है। सबसे खास बात जो डिज़ाइन है ना इसका, इतना ज़्यादा एग्रेसिव और इतना ज़्यादा स्पोर्टी रखा गया है कि इंटरनेशनली भी इस स्कूटर की अलग ही लेवल की फैन फॉलोइंग हो गई है। और उससे खास बात कि प्राइसिंग सेंस में भी ये ज़्यादा ऐसा नहीं कि ओवर प्राइस यहाँ पर होंडा ने रखा है, वही चीज़ मुझे सबसे सही लगी। उसके साथ ही होंडा यहाँ पर शोरूम से ही आपको शोवा सस्पेंशन देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया राइड क्वालिटी देते हैं। और इनका भी बहुत बड़ा रोल है कि कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा एक स्पोर्टी फील कराए। जो इंडिया में आपको एरोक्स में सस्पेंशन मिलते हैं बहुत ही बेकार है, उसके मुकाबले ये मतलब ना 20 गुना ज़्यादा बढ़िया कंफर्टेबल राइड देंगे। टायर प्रोफाइल मैंने देखा कि इसका टायर पीछे का आपको थोड़ा सा अलग साइज़ का है। यहाँ पर देखिए कितनी इसकी साइज़ है, 130 सेक्शन का टायर है, 70s की एक तरीके से प्रोफाइल, और कहने के 13 इंचेस का टायर है। इंडिया में अगर आप एरोक्स में देखें तो 14 इंचेस का है, लेकिन इसमें पावर आपको ज़्यादा मिल रही है। 160 सीसी का आपको होंडा का इंजन मिलेगा, पावर बना रहा है करीब 16 हॉर्स पावर की, और यहाँ पर टॉर्क है 15 Nm का। और भाई होंडा ने यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन दिया है, तो होंडा ना जो आपको CB350 के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल देता है इंटरनेशनली, इसके साथ भी एक स्पेशल चीज़ देखिए, जो कॉस्ट कटिंग यहाँ पर होंडा नॉर्मली इंडिया में कर देता है वो यहाँ पर मुझे नहीं देखने को मिली, क्योंकि भाई ये इंटरनेशनल स्पेक आपके सामने एक तरीके से स्कूटर पेश कर रहा हूँ। रियर में देख रहे आप डिस्क ब्रेक, कहीं पर भी इंडिया में आपको कोई भी पेट्रोल स्कूटर नहीं मिलेगा जिसमें रियर में डिस्क ब्रेक मिलते हो। तो यहाँ पर प्रॉपर निसिन के कैलिपर मिल रहे हैं। इंडिया में जो आपको एरोक्स मिलती है उसमें भी माउंटिंग होल्स होते हैं, लेकिन यामाहा देती नहीं है, नॉर्मल से ड्रम ब्रेक्स है। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज भाई डिस्क ब्रेक ऑलवेज बेटर रहेगा। उसके अलावा ये सस्पेंशन, साथ ही साथ मफलर का डिज़ाइन आप देखें ना, नोटिस करेंगे CBR 150 की तरह ही मफलर यहाँ पर ऑफर किया गया। उसके अलावा काफ़ी साइलेंट स्कूटर भी है, साइलेंट स्टार्ट यहाँ पर ऑफर किया गया। एक्सेसरी फ्रंट में थोड़ी बहुत यहाँ पर ये कुछ हाईलाइट लगाए गए। मेन चीज़ बात करते हैं ना गाड़ी के डिज़ाइन की, क्या कुछ यहाँ पर ADV 160 अपने साथ ऑफर करती है। सबसे पहले देखिए ये एडवेंचर मोटरसाइकिल देखने वाला कुछ ऐसा हैंडल बार, मतलब मुझे इतना ज़्यादा एक कम्फर्ट इसने दिया है। इस तरीके की पावर है, कहने की पावर यहाँ पर टैकोमीटर क्योंकि दिखता है तो 4000 RPM के बाद ही जो इसका सेंट्रीफ्यूगल क्लच है वो बाइट करना शुरू करता है। फिर थोड़ा सा आपको 5-6000 RPM पर ले जाने के बाद अच्छा पुश मिलता है और बहुत सही तरीके की फील है। अगर आप इस तरीके के यहाँ पर मिरर देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसा कुछ स्पोर्टी मिरर मिलेगा, इस तरीके का केबल आपको मिलेगा आइडल। साथ ही साथ यहाँ पर किल स्विच का ऑप्शन दिया गया और साइलेंट स्टार्ट है प्रॉपर, हजार्ड के ऑप्शन दिए गए आपको प्रॉपर। यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक मिलते हैं फ्रंट और रियर दोनों में, मतलब ड्रम ब्रेक का झमेला ही खत्म, एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, सेल्फ एडजस्टिंग यहाँ पर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिए गए। ये हॉर्न के ऑप्शन, कुछ यहाँ पर आपको इंडिकेटर के ऑप्शन, सारी लाइट आप देखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर इंडिकेटर ऑफर किए गए, बाकी कलर ऑप्शन में ये इसका मैट शेड आपको दिखा रहा हूँ। इसमें एक ब्राइट रेड का भी ऑप्शन आता है पियानो ब्लैक के साथ, वो तो भाई अल्टीमेट लगेगा। ये आपको थोड़ा मैट फिनिश हल्की सी मेहरून है, और ये कुछ इसके DRL, और ये है भाई इसका फ्रंट का लुक, कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए होंडा सेलेक्टेबल टॉक कंट्रोल ऑप्शन मिलता है, यानी कि ये इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है। कहने के ज़्यादा व्हील स्लिप करेगा पीछे का तो ये इंजन की पावर कट ऑफ करता है। फ्रंट में आप देखेंगे LED हेडलैम्प्स। फ्रंट का टायर का साइज़ देखिए, अगर पीछे 130 है और यहाँ पर फ्रंट में है 110 80, रेडियल 14, आगे बड़ा टायर है, वही एक्टिवा वाली बात। कहीं ना कहीं आगे 14 इंच का टायर, पीछे 13 इंच का टायर, तो थोड़ा सा वही कि थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा मिले पीछे के पहियों को, उस हिसाब से रखा गया। उसके हिसाब से ये देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से वेल ट्यून फ्रंट के आपको यहाँ पर सस्पेंशन मिलेंगे। USD नहीं है, सिंपल टेलीस्कोपिक है, लेकिन ये कुछ ऑफर किए गए। फ्रंट में दो आपको निसन कैलिपर पिस्टन मिलने वाले हैं। ये चीज़ देखिए पैटल इसकी डिस्क ब्रेक, मतलब ना गाड़ी का लुक ही अपने में बिल्कुल अल्टीमेट है। कहीं ना कहीं अगर आप PCX को देखें, इसमें भी 160 सीसी का इंजन आता है। अब ये जो इंजन है CBR से बिल्कुल अलग है, उसमें 149 सीसी का है, ये 160 सीसी का है। ये थोड़ा ना स्कूटर के हिसाब से बनाया गया है। इंजन सारे यहाँ पर लिक्विड कूल्ड है, लिक्विड कूल्ड इंजन है तो ज़्यादा लॉन्ग राइड यहाँ पर आप कर पाएंगे, इंजन ओवरहीट नहीं होता है। उसके अलावा ही यहाँ पर 8 लीटर का फ्यूल टैंक मिल रहा है। आप इंडिया में देखिए एरोक्स में छोटा फ्यूल टैंक है, यहाँ पर होंडा लगा के देती है। अब कहीं ना कहीं ना इंडिया में तो हमें एरोक्स मिल चुकी है,
ये गाड़ी का इंडिया में लॉन्च अभी बाकी है, लेकिन अगर आ जाए ना अल्टीमेट है। उसके अलावा प्राइसिंग भी समझाऊंगा। ये कुछ आपको यहाँ पर छोटी सी स्क्रीन मिलेगी, ये थोड़ी छोटी है लेकिन सारे फंक्शन फीचर दिखाए इसने, डिजिटली ऑप्शन दिए गए सारे के सारे। सीट आप देखेंगे सिंगल सीट यहाँ पर ऑफर की गई है। इस तरीके का पूरा लेआउट है इसका, कहीं ना कहीं सही तरीके से। पीछे भी एक बंदा बैठा था मेरे, तो आराम से, मतलब कोई सैगिंग नहीं हो रही थी। सस्पेंशन ना शोवा के सस्पेंशन है, इतना बढ़िया रिबाउंड है, कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से काम करा। अब देखिए प्रैक्टिकलिटी, तो एक बड़ा सा बूट स्पेस यहाँ पर रखा गया है। अब क्योंकि फ्यूल टैंक को आगे शिफ्ट किया गया तो कहीं ना कहीं स्प्रिंग भी है इसमें, और इस तरीके से अच्छा सा आपको यहाँ पर अंडर सीट स्टोरेज मिल जाएगा। क्वालिटी प्रॉपर, एक जो होंडा की प्रीमियम फिनिश है वो चीज़ नोटिस की जाती है। तो यही है कुल मिला के, कहीं ना कहीं 160 सीसी सेगमेंट में होंडा ADV 160 है, 16 हॉर्स पावर बना के देता है, 15 nm का टॉर्क है, फ्यूल इकोनॉमी फ्रंट में 45 km/L का माइलेज, एवरेज कंजम्पशन मैंने पूरा यहाँ पर टेस्ट किया हुआ था, 45 km/L का माइलेज भी ये दे रहा है। तो इतनी पावर, इतनी परफॉर्मेंस और इतने शानदार लुक के साथ 45 की माइलेज देते हुए गाड़ी अपने में अल्टीमेट चीज़ है। ये थोड़ा सा इसका एक अलग तरीके का मैट एडिशन है तो थोड़ा अलग दिख रहा होगा, लेकिन ये ग्लॉसी रेड और ब्लैक के साथ हो तो क्या ही बात है। बाकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 2,24,000 रुपये यहाँ पर इसकी प्राइस आ रही है ऑन रोड। अगर आप इंडिया में एरोक्स को देखें आजू बाजू ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होंडा ना एडवेंचर अवतार के साथ आई है तो ज़्यादा पसंद की जाएगी। और अगर मैं खुद अपने लिए स्कूटर लूँ तो यही चीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर एक स्पेस देखें तो इतना स्पेस यहाँ पर पैर रखने का। अब जिनको चाहिए ना आगे तो थोड़ा सा स्पेस मिले, थोड़ी सी सामान रखने को स्पेस हो, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये थोड़ा डेडिकेशन के साथ चलाने वाला स्कूटर है। कुछ अगर आप की और ऑप्शन डालें तो यहाँ पर जो सीट है यहीं से ओपन होगी, मतलब जो इंडिया में नया आपको एक्टिवा के साथ ऑप्शन मिल रहा है वो सारे ऑप्शन यहाँ पर इंटरनेशनली मिलते ही है। ये सारे कंट्रोल और ये चीज़ देख लिए, हल्का सा PCX की ओर देख लो तो PCX भी इसी इंजन के साथ आती है, लेकिन थोड़ा कम्यूटर सेगमेंट के हिसाब से है। यहाँ पर टायर भी 14 इंच के मिल जाएंगे, प्रोफाइल भी सिमिलर है, थोड़े बहुत मोटे चौड़े टायर है, लेकिन वो प्रॉपर एक एडवेंचर ऑफ रोड टायर भी दे रही है देखिए। और इसके टायर देखेंगे हल्के से शहर के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जिसको थोड़ा सा शहरों में ही चल रहा है उसके लिए PCX बेटर ऑप्शन है, 160 वाला ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पर इसका कंसोल थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा रेट्रो वाला ऑप्शन आप देखेंगे। सीटें इसकी चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी, ये चीज़ें, बाकी वो एडवेंचर थोड़ा बाइक वाला लुक चाहिए वो है। बाकी ये PCX अगर वही इंजन थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि थोड़ा स्पोर्टी, थोड़ा सा डियो वाले लुक में चाहिए, तो यहाँ पर वेरियो नाम की गाड़ी भी आती है। तो ये ना पूरी इनकी 160 सीसी सेगमेंट की पूरी लाइनअप है। प्राइसिंग एक तरीके से यहाँ पर 2.25 लाख रुपये, लगभग 2 लाख रुपये से शुरू होके लगभग इसी के आजू बाजू जा रही है ये सारी पूरी लाइनअप है। देखिए ना कहीं ग्रेजिया और डियो वाला ही लुक इस गाड़ी के साथ आपको मिलता है। इसमें देखेंगे थोड़े और पतले टायर, थोड़े छोटे टायर, डिस्क थोड़े नॉर्मल, इसके साथ भी देखेंगे डिस्क थोड़े से ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी उसमें देखेंगे एक प्रॉपर थोड़ा सा स्पोर्टी लुक, हल्का सा एक पेटल डिस्क और ये चीज़ें आपको मिल रही है। बाकी उसके अलावा सारी ही जो लाइनअप है हर किसी कस्टमर के हिसाब से बनाई गई है। आप बताइए आपको कौन सी लाइनअप सबसे बेस्ट लगी। थोड़ा सा और छोटी लाइनअप जो इंडिया में आपको छोटू मोटू मिलती रहती है उसी के आजू बाजू है, लेकिन ये ADV 160 ना स्पेशली अपने में एक बेंच मार्क कही जाएगी। ये जो विंडस्क्रीन है यहीं से सिंपली इसको अगर आप पुल करेंगे और ऊपर नीचे इसको स्लाइड कर सकते, पूरा ऑप्शन दिया गया है। जैसी आपकी हाइट है जितना यहाँ पर विंड डिफ्लेक्शन चाहिए वो आप इससे ले पाएंगे। और ये है भाई पूरी पूरी गाड़ी, बहुत ही पसंद की जाने वाली चीज़ें कुछ होती है ना, ये है वो गाड़ी। कंपटीशन फिलहाल एक तरह से यामाहा के पास है NMAX और ये सारी चीज़ें, लेकिन होंडा के सामने ना सब कुछ फेल है। बस इस गाड़ी में कुछ मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस में जो इसका क्लच शू है उसको आपको थोड़ा सा बार बार एक तरीके से क्लीन कराना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा पानी में चलाओगे एडवेंचर करोगे तो क्लच शू में हल्का सा वहाँ पर रस्ट आ जाता है। उसके अलावा डिस्क ब्रेक के ऑप्शन है रियर में, तो वो झमेला गया कि ड्रम ब्रेक्स को एडजस्ट कराने का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके अलावा सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर रखी गई है। थोड़ा बहुत अगर बैठ के और वो चीज़ें हो वो राइड रिव्यू में ही दिखाता हूँ सीधे सीधे। बाकी ये जो शोवा है ना कोई कंपनी नहीं करती भाई, होंडा दे रही है, यामाहा में आपको करवाना पड़ता है ये चीज़ें। लगभग 18-20 हज़ार का सेटअप होंडा ही करके दे रही है। होंडा की CB R 250 RR ये लाइनअप भी रहती है, और उसके साथ कुछ और बाइक देखेंगे यहाँ पर है 150 सीसी में, लेकिन ये लिक्विड कूल नहीं है। CB 150X CBR का ही इंजन आपको मिलेगा 150 सीसी में, जिसमें आपको लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन मिलेगा। एडवेंचर बाइक का पूरा लेआउट है, इसकी वीडियो भी बनाई है जो कि ग्रे टोन के साथ नया कलर आया था। उसके अलावा अपने इंडिया की पसंदीदा CBR 150R ये रही, और ये छोटू मोटू चिंटू मिंटू बाइक्स ये रही। कुछ ऑप्शन यहाँ पर, कुछ ऑप्शन यहाँ पर, मतलब कुल मिला के ना होंडा जो काम कर रहा है बिल्कुल अल्टीमेट है इंटरनेशनली। ये बाइक ने तो भाई सच में इंप्रेस करा। उसके अलावा हम इंडियंस की कब बारी आएगी,
थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोचेंगे ना भाई 2.5 लाख रुपए में स्कूटर कौन लेता है, हम ले लेंगे एक्टिवा, 2 एक्टिवा, 3 एक्टिवा, आप ऐसा कहने लग जाएंगे जब लॉन्च करने की बारी आएगी। आप रैंक करिए इस गाड़ी को, कैसी लगी आपको ये ADV 160, और बताइएगा मुझे कितना ज़्यादा आप इसको पसंद कर रहे हैं, क्या कुछ खास लगा इसमें। यहाँ की प्राइसिंग 2,24,000 रुपये मैं कैलकुलेट कर पाए, इंडिया में आते आते ये गाड़ी कहीं ना कहीं 3 लाख को टच ज़रूर करेगी, क्योंकि जो इक्विपमेंट फ्रंट यहाँ पर मिल रहा है ना अलग ही लेवल का है। तो भैया ये रही गाड़ी, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भी सही है इसका, 165 mm यहाँ पर होंडा बता रही है, लेकिन मुझे ठीक लगा। अभी तो डबल स्टैंड में लगी है, लेकिन 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। बाकी सीट में देखिए किस हिसाब से काउंटूर दिया गया है, बैक को भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बाकी हाइट कम है, 5.8 फीट के आसपास, उससे नीचे भी है, फिर भी आराम से चलाओगे, पैर को रखने का अच्छा सा स्पेस जो कि यहाँ दिया गया। बाकी भैया होंडा का भरोसा, और ये चीज़ें रही भाई आपके साथ। तो बताना ज़रूर कैसी लगी आपको एडवेंचर 160। मिलता है नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।